अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जी करते हैं स्टार्ट। तो आज आपका ब्रो गया था रेस कोर्स। तो आपने सुना ही होगा भाई, लाहौर के अंदर रेस कोर्स में गया था ताकि देखा जाए कि रेस कोर्स किस तरह का बना हुआ है। पहले मैंने कभी रेस कोर्स देखा नहीं था, सुना ही था। रेस कोर्स बेसिकली होती है घोड़ों की दौड़ें, और पोलो ग्राउंड भी वहाँ पर रेस कोर्स में। आपका ब्रो गया रेस कोर्स के ताकि वहाँ पर देखा जाए कि रेस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी ब्यूटी है। पहले कभी देखा नहीं, इमेजिन किया था यार किस तरह की बिल्डिंग, किस तरह का उसका वो नज़ारा होगा, क्या क्या सीन वहाँ पर होगा। लेकिन यार जब वहाँ पर पहुँचा तो आपको क्या बताऊँ, पहले तो उन्होंने पार्किंग दे और की हुई थी ना पार्किंग बाइक के लिए, वो सेल्फ पार्किंग थी भाई, अपनी जिम्मेदारी पे पार्क करें और जहाँ मर्जी जाएं। गाड़ी मैंने पार्किंग पे लगाई, बाद में बाहर निकलता हूँ तो वहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग थी सिम्स नाम की। अब मुझे क्या इलम वो कौन सी थी, लेकिन ऐसा ही MS सिम्स नाम की बिल्डिंग थी, उसके साथ रेस कोर्स है। रेस कोर्स के अंदर एंटर होने से पहले तो मुझे रोक लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड, कहते हैं भाई मास्क लाएँ। सारे लोग विदाउट मास्क वहाँ पे घूम रहे हैं और आपका ब्रो को कहता है जी मास्क लाएं। मैंने कहा अच्छा यार आप मास्क दे दें, वो कहता बाय करें। मैंने मास्क बाय किया, मैंने कहा यार मेरे पास चेन नहीं है, तो कहता नहीं भाई मास्क लेना पड़ेगा। मैं क्या अच्छा, मैंने कहा दे दें भैया आप मास्क दें। मैंने मास्क लिया, उसे 500 रुपीज़ दिए, उसने मुझे 480 रुपीज़ बकाया किया। मैंने कहा यार भाई खुदा का खौफ करें, 10 रुपये का मास्क आता है। उसने कहा जी चलें ठीक है 10 रुपये और दिए, 490 मेरे पास आ गए, 10 का मास्क लिया। अंदर एंटर होते ही यार खूबसूरत, क्या खूबसूरत सीन है, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैंने पहले क्यों नहीं से देखा, रेस कोर्स इतना खूबसूरत इतना प्यारा। मैं कहता हूँ आप देख के हैरान हो जाएंगे यार क्या ब्यूटी है इसकी। यहाँ से एंटर होते ही कोई रास्ता आ रहा है लेफ्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, कोई स्ट्रेट जा रहा है, और ग्राउंड्स बने हुए हैं, नीचे घास है, जगह जगह उन्होंने बैठने सिटिंग प्लेसेस बनाई हुई हैं, और बड़ा ही शानदार नज़ारा है वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा यार इसको सारे को घूम के एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ना एक साइड ली उसकी, मैं उसके राइट साइड से शुरू हो गया। मैंने कहा अब राइट से शुरू होते हैं और सारा बाग घूम के देखूंगा कि किस तरह का बना हुआ है। जब मैं राइट से स्टार्ट होता हूँ तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद ना ग्राउंड है, जैसे चलने लगा तो वहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने झूले वगैरह लगाए हुए थे बच्चों के खेलने के लिए, वो देखे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो फिर वहाँ पर मैं देखता हूँ यार पता नहीं कौन सी सिटिंग प्लेस बनी हुई है। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी वैसे ही बच्चों के झूले वगैरह थे और स्लाइडिंग वगैरह थी। मैंने कहा अच्छा यार इससे भी आगे जा सकते हैं, उससे आगे जाता हूँ तो यार कच्चा रोड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये पता नहीं बाहर वाली साइड को जाता है। थोड़ा सा उस पर चलने के बाद वो बड़ा नीट एंड क्लीन था, किसी ने सफाई की थी उसकी थोड़ी देर पहले। मैं उस पर थोड़ी देर तला और मैंने समझा कि यार मैं अब बाहर ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने किसी से पूछा कि यार ये ट्रैक आगे जाता है, उसने कहा हाँ आप यहाँ से सीधा जाए जाए, आप बाहर नहीं जाएंगे, आप आगे चले जाएंगे। असल में वो ट्रैक बना हुआ था पूरे रेस कोर्स का जिस पे घोड़े दौड़ते थे। चलना स्टार्ट किया, आखिर में थक गया। थकने के बाद मैंने कहा कि वहाँ पर उन्होंने एक बनाया हुआ था सिटिंग प्लेस, उसके नीचे मैं जाके थोड़ी देर बैठा, थोड़ी सी रेस्ट की, फिर उसके बाद मैंने चलना स्टार्ट किया। वहाँ पे बड़े तरतीब के साथ दरख्त लगाए गए थे, अजीबोगरीब किस्म के, जो मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं दरख्त देखे थे, वो भी दरख्त वहाँ पे लगे हुए थे। मेरा जहन था कि यार और भी चीज़ें होंगी यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी सी आगे जाता हूँ तो वहाँ पर पोलो का वो जो घोड़ा है जिसपे प्लेयर बैठ के तो पोलो खेल रहा होता है, उनका स्टैचू बनाया हुआ है, तो वो मैंने स्टैचू देखा। अंदर जाना अलाउ नहीं था। उसके बाद फिर मैं ट्रैक पर आता हूँ, जाना शुरू कर देता हूँ। अब चल चल के मेरी बस हो गई है, मैं थक गया हूँ। थकने के बाद मैंने सोचा कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जितना भी जाऊँगा आगे यही है, ग्राउंड ही है, ग्रीनरी है, और क्या पार्क है और क्या है, रेस कोर्स में पता नहीं मैंने क्या समझा हुआ था, क्या क्या होगा क्या नहीं। थोड़ी सी आगे जाने के बाद वहाँ पे झील बनी हुई थी जहाँ पर वो कश्तियाँ वगैरह झूले, बच्चों के लिए झूले थे कश्ती पे, जो बोर्ड पे झूला लेते हैं वो था। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे खजूर के काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे और उसके ऊपर खजूरें भी लगी हुई थी। थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यार एक अजीब गरीब सीन आता है। वो सीन ये आता है कि एक दरख्त की लकड़ी को काट के उसका डेस्क बनाया हुआ है, और इतना कमाल की उसके ऊपर आर्ट दिखाई गई है ना कि किसी ने बड़े ही दिमाग लगा कर उसे बनाया। जैसे भी है वो एक देखने वाली चीज़ थी। अच्छा सबसे पहले जो है ना एंटर होते ही उसकी लेफ्ट साइड पर फाउंटेन था जो मैंने पहले देखा ही नहीं है।
फाउंटेन जो बड़ा कमाल का बना हुआ था, आप हाइट पे चल रहा था, जब वो चलता था इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बड़ा सुकून मिल रहा था, और उसका शोर था और उसका वाटर जो है वो आगे जा रहा था। फाउंटेन की वीडियो जो मैंने बना ली थी, वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि यार अब घर चलते हैं, लेकिन बारिश आ गई। बारिश आने के बाद मैंने कहा कि भाई मैंने कहा अब थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पे बैठ के फ़ायदा क्या बारिश में गिले होने का। वहाँ पे मैंने देखा कि आई लव लाहौर का लोगो लगा हुआ है, और इंटरनेट पे मैंने थोड़ा सा सर्च करके देखा कि इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम था जिलानी पार्क, और इसके साथ था रेस कोर्स जहाँ पे पोलो ग्राउंड बना हुआ था। पोलो ग्राउंड बड़ा लंबा और वसी, तो मैंने देखने की कोशिश की लेकिन अंदर जाने की इजाज़त ही कोई नहीं थी। लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि यार बंदा सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। रेस कोर्स जो मैं देखने गया था वहाँ पे मुझे सिर्फ पार्क का सीन नज़र आया, और तो कोई चीज़ नज़र आई कोई नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ पता नहीं क्या क्या उन्होंने शाहकार बनाए होंगे रेस कोर्स के अंदर, कौन कौन सी चेंजिंग होगी, क्या नई चीज़ होगी मेरे लिए, क्योंकि आपका ब्रो करता है एक्सप्लोर। तो मैंने कहा यार वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक्सप्लोर वाली चीज़ मिली कोई नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम ब्यूटी, जैसे आप मीनारे पाकिस्तान चले जाते हैं या और किसी पार्क में चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोग, एक और चीज़ थी कि वहाँ पे लोग ट्रैक पे रनिंग के लिए आए थे, और टाइम बज रहा था 12 बजे का, और लोग 12 बजे आके ट्रैक पे रनिंग कर रहे थे, कोई एक्सरसाइज कर रहा था। मैं ये सीन देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि यार टाइम वाक तो सुबह सुबह होता है, रनिंग का सुबह सुबह होता है, ये लोग 12 बजे घूम रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मेरे लिए नई थी। लेकिन बात इस तरह है कि भाई रेस कोर्स आप इसे पार्क कह सकते हैं, ट्रैक कह सकते हैं, ग्रीनरी कह सकते हैं, और काफ़ी पुराने पुराने दरख्त थे वहाँ पे। मैंने बड़े बड़े पुराने किस्म के वहाँ पे जो हैं बोर्ड के दरख्त देखे। अब मुझे नहीं पता आपकी ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं, हम तो उसे बोर्ड कहते हैं। और पिपल के दरख्त भी थे, शहतूत भी था, जामुन भी था, अमरूद के काफ़ी ज़्यादा दरख्त वहाँ पे लगे हुए थे। ग्रीनरी यानी कि काफ़ी ज़्यादा थी, फुल माहौल था वहाँ पे ग्रीनरी का। और आपके भाई ने फिर वहाँ पे किया इंजॉय, और जैसा भी है रेस कोर्स ठीक है, बेहतर है आपके, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, इंटरेस्ट होती है, शौक होता है देखने का, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का। तो आपके ब्रो ने तो कर दिया एक्सप्लोर, और मिलती है जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।